हे गाइस, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट के आए एक नए अपडेट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए। गाइस, यहां पर ये जो अपडेट है ये नन एफिश्योर्ड लिस्टिंग से रिलेटेड है। अभी तक गाइस क्या हो रहा था कि नन एफिश्योर्ड लिस्टिंग में कस्टमर से सेलर्स जो है वो शिपिंग चार्ज ऐड कर सकते थे और एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज ले सकते थे, और एफ एश्योर्ड लिस्टिंग जो है उसमें कस्टमर से आप शिपिंग चार्ज नहीं ले सकते थे। अब ये जो रूल है ये चेंज हो गया है, इफेक्टिव हो जाएगा आपका 17 अगस्त से, हो चुका है ऑलरेडी। अब हो क्या रहा है कि नन एफ एश्योर्ड लिस्टिंग अगर आपकी है तो उस पर भी आप कस्टमर को फ्री शिपिंग मिलेगी। गाइज, फ्लिपकार्ट में आप अगर देखेंगे तो दो तरह के लिस्टिंग होती है। अब अधिकतर सेलर्स को ये पता होता है कि फ्लिपकार्ट में दो तरह की लिस्टिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको लिस्टिंग मिलेगी सेम प्रोडक्ट की जहाँ पर एफ अश्योर्ड लगा हुआ है, एक लिस्टिंग है जहाँ पर एफ अश्योर्ड नहीं लगा हुआ है। तो पहले क्या होता था, ये जो नन एफ अश्योर्ड लिस्टिंग है इसके ऊपर कस्टमर से हम एक्स्ट्रा अगर शिपिंग चार्ज शिपिंग फी चाहे तो ले सकते थे, अगर नहीं चाहे तो फ्री डिलीवरी दे सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया गाइज, अब फ्री शिपिंग जो है वो मैंडेटरी हो गया है फ्लिपकार्ट में। अगर आपका प्रोडक्ट नन एफ अश्योर्ड है, कुछ कैटेगरी में हुआ है, सारी कैटेगरी में नहीं हुआ है, किस किस कैटेगरी में हुआ आगे हम बात करेंगे। तो अगर आपकी इस कैटेगरी में आपकी लिस्टिंग आती है तो आपको अब क्या करना है कि आपको अब, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो सेलर से शिपिंग चार्ज लेता ही लेता है, तो वो आप मेकअप कैसे करेंगे, आप उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर लेंगे। आपको अगर आपका प्रोडक्ट 400 का था, आप 400 फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे थे और उसकी शिपिंग फी आपने अगर 60 रुपीज़ रखी थी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि उसे प्रोडक्ट प्राइस में ही ऐड कर लेना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे फ्लिपकार्ट पे। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट ने एक आर्टिकल दिया, इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में। कस्टमर आर द बैकबोन ऑफ बिजनेस, कस्टमर वैल्यू, फ्री शिपिंग प्रोडक्ट, 400 प्रोडक्ट फ्री शिपिंग, एफ एश्योर ऑलरेडी सोल्ड विथ नो शिपिंग चार्ज। एफ एश्योर पहले जैसे मैंने बताया विदाउट शिपिंग चार्ज के सेल हो रहे थे, कस्टमर को फ्री डिलीवरी मिल रहे थे। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि एफ एश्योर प्रोडक्ट वी हैव सेलेक्टेड वर्टिकल है। अब वर्टिकल क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपका प्रोडक्ट इन वर्टिकल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर इन वर्टिकल में अब नन एफ एश्योर जो लिस्टिंग है उस पर भी, उस पर फ्री शिपिंग कस्टमर को मिलेगी। तो आपका भी अगर इस वर्टिकल, इन वर्टिकल देख सकते हैं, ये वर्टिकल्स है, इन वर्टिकल्स के अंदर आपका अगर प्रोडक्ट आ रहा है, इन वर्टिकल के अंदर अगर आपकी कैटेगरी के अंदर आप सेल कर रहे हो तो नन एफ एश्योर लिस्टिंग में भी अब फ्री शिपिंग कस्टमर को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आपकी लिस्टिंग है तो आप प्लीज़ एक बार अपनी लिस्टिंग में अपना जो प्राइसिंग है उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, क्योंकि आपकी जब आपको ऑर्डर आना रिसीव होंगे तो वहाँ पर आपको जो शिपिंग चार्ज अगर आपने ऐड करके रखे होंगे तो वो आप शिपिंग चार्ज वहाँ पर कस्टमर नहीं पे कर रहे हैं, तो वो आपको आप प्रोडक्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट था तो जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप लॉस से बच सको। तो ये वीडियो, इन दोनों आर्टिकल का लिंक, जो ये आर्टिकल जो फ्लिपकार्ट का है इसका लिंक, और ये जो कौन कौन से आर्टिकल है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खुद से चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में गाइज इतना ही था। हमने फ्लिपकार्ट के एक नए अपडेट के बारे में देखा जो ऑलरेडी और यहाँ पर अप्लाई हो गया है 17 अगस्त से। ये फ्लिपकार्ट का अपडेट आपको कैसा लगा, या और आगे इन फ्यूचर देखना पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट के इस अपडेट से सेलर्स के ऑर्डर बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।